Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So today we are going to discuss another chapter in English, that is the English language, Angrezi Zaban. This chapter is about the history of English, English ki tareekh ke bare mein, ki yani Angrezi Zaban jo duniya mein sabse zyada boli jane wali zaban hai, seekh kar बोले जाने वाले ज़बानों में जो हमारे पास द बिगेस्ट लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, वो शुरू किस तरह से हुई, हाउ इट वॉज क्रिएटेड. तो याद रखो, ज़बान या जो लैंग्वेज है वो कोई एक शख्स शुरू नहीं करता. ज़बान हमेशा कौम मिलकर करती है, कौमें होती हैं, नेशंस होते हैं, और नेशंस मिलकर जो है वो ज़बान को ईजाद करती हैं. जैसे उर्दू ज़बान है, तो उर्दू ज़बान किसी एक शख्स की ईजाद नहीं है, बल्कि उर्दू ज़बान का लश्करी ज़बान है. बहुत से लश्कर आकर रहते थे हिंदुस्तान में, उनके मिलाप से एक ज़बान जो उर्दू ज़बान बनी है. हर ज़बान ऐसी, सर इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो जो ज़बान है वो किस तरह से वो लोगों के एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से बनी है, तो वो किस तरह से बनी है, हाउ इट वॉज फॉर्म, सो वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. अंग्रेजी ज़बान की कहानी बहुत पुरानी है. 450 AD मतलब आज से तकरीबन लगभग 1500 साल पहले अंग्रेजी ज़बान की शुरुआत हुई इंग्लैंड के कंट्री से. इंग्लैंड में जो है वो दो कबीलों ने हमला किया. इंग्लैंड में जो है वो दो कबीलों ने आपस में लड़ाई की. इंग्लैंड के अंदर दो ट्राइब्स रहते थे. ये दो ट्राइब्स के नेम है एंजल्स थे और एक सैक्सन्स थे. एक एंग्लो थे और एक सैक्सन्स थे. ये दोनों जर्मनिक ट्राइब्स थे. जर्मनिक ट्राइब्स थे मतलब कि ये दोनों के दोनों जो है वो एंग्लो और सैक्सन्स, ये दोनों के दोनों जर्मनी के रहने वाले कबीले थे. ठीक है, वॉरियर्स थे, जंगजू थे. तो इन्होंने आपस में लड़ाई की और इनके लड़ाई करने से एंगल्स एंग्लो की अलग ज़बान थी, सैक्सन्स की अलग ज़बान थी. लेकिन जब आखिरकार जब दोनों ने आपस में जो है वो लड़ाई की, जंगें की, तो इन दोनों की ज़बानें आपस में क्या हुई, मिक्स होना शुरू हुई आपस के जंगों की वजह से. और एंजल्स और सैक्सन्स की ज़बान मिलकर एक नई ज़बान बनी, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज. इसी एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, कदीम इंग्लिश. यहीं से स्टार्ट हुई 1500 साल पहले. 450 AD में शुरू हुई और 1150 में ख़त्म हो गई. 1150 में डेड लैंग्वेज बन गई. 1150 में क्या हुआ, दो और कबीलों ने इस पर हमला किया, दो और कौमों ने हमला किया एंजल्स और सैक्सन्स में. वो दो कौमें, एक आई थी डेनमार्क से और एक आई थी फ्रांस के शहर नॉर्मेंडी से. नॉर्मेंडी इज अ सिटी ऑफ फ्रांस. फ्रांस में के शहर नॉर्मेंडी में जो कौम रहती थी उसको हम कहते थे नॉर्मेंस, वो फ्रेंच बोलते थे. जबकि डेनमार्क में जो कौम रहते थे उनका नाम था वाइकिंग्स. ठीक है, तो वाइकिंग्स आपने देखा होगा डेनमार्क के कदीम पुराने ज़माने के होते थे. ठीक है, इनमें ये लोग शिप में ज़्यादातर ट्रैवल करते थे. ठीक है, शिप की अच्छा, और वो लोग हेलमेट लगाते थे, हेलमेट में सिंह बना होता था, सिंह वाले हेलमेट, लंबी लंबी दाढ़ी होती थी, है ना, दाढ़ी में भी चुटिया बांधते थे इस तरह से. ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वगैरह में आपने देखा होगा वाइकिंग्स को. तो वाइकिंग्स एक कदीम कौम थी, वॉरियर, जंगजू कौम थी. उनके हाथ में इस तरह कुल्हाड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी. वाइकिंग्स एक अलग कौम थी, इनका अलग मजहब था, इनके मजहब, इनकी मैथोलॉजी अलग थी, इनके अलग अलग खुदा थे, मतलब लोकी, ऑडिन, थोर. थोर इनका एक गॉड था, उसके बड़ा सा हथौड़ा होता था, थंडर का गॉड उसका थोर. एवेंजर्स में भी एक ऐसा सुपर हीरो एवेंजर्स मूवी में है. तो थोर जो है वो वाइकिंग्स का ही तो है. अगर आपने थोर मूवी देखी हो तो उसमें पूरा वाइकिंग्स की स्टोरी है. उसका बाप जो था लोकी, ऑडिन, इस तरह से लोकी उसका भाई था, बाप ऑडिन था उसका. ठीक है, तो यस द गॉड ऑफ मिस्चीफियस, मतलब मिस्चीफ, वो शरारत का खुदा कहलाता था. तो वाइकिंग्स जो डेनमार्क के थे उन्होंने, और नॉर्मेंस से जो नॉर्मेंडी के थे उन्होंने भी हमला किया. तो वाइकिंग के लैंग्वेजेस और नॉर्मेंस के लैंग्वेजेस फ्रेंच लैंग्वेज में इंग्लिश में मिल होना शुरू हो गए एंग्लो सैक्सन इंग्लिश के अंदर. तो वाइकिंग्स में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं. उनमें से एक बादशाह जो उसका बड़ा था उसका नाम था हेरोल्ड ब्लूटूथ. एक बादशाह था उसका नाम था हेरोल्ड ब्लूटूथ. अच्छा, ये हेरोल्ड ब्लूटूथ ने क्या किया था उस दौर में, वाइकिंग्स जो थे वो अलग अलग मतलब के बिखरे हुए थे अलग अलग ट्राइब्स में, कबीलों में, उससे तमाम कबीलों को जोड़ दिया था आपस में हेरोल्ड ब्लूटूथ ने. उसी हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर आज हमारे मोबाइल फोन का ब्लूटूथ है ना, नीला दांत. वो सोचते हैं ना बचपन से नीला दांत क्यों बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ क्यों. तो ये हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर वाइकिंग बादशाह था ये, जिसने जोड़ा था सारे लोगों को. तो इस तरह से ब्लूटूथ भी क्या कर दो मोबाइल फोन को साथ में जोड़ देता, जैसे इसने लोकोमों को जोड़ा था आपस में इसलिए. और हेरोल्ड ब्लूटूथ जो है ना वो लैंग्वेज, अगर हम बात करें वाइकिंग लैंग्वेज में, इस तरह से लिखा जाता है, एच इस तरह से होता है और बी इस तरह से लिखा जाता है. That is H, that is B, Harold Bluetooth. इस तरह सिंपल होता है, समझ रहे B टाइप का बना हुआ और यूं करके ऐसा होता है. तो ये वाइकिंग लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं H और B. ठीक है, ये नॉलेज के लिए बता रहा था. तो
वाइकिंग्स और नॉर्मेंस ने एंग्लो सैक्सन्स पर हमला किया और आखिरकार एक नई इंग्लिश बनी जिसको हम लोग मिडिल इंग्लिश कहते हैं। मिडिल इंग्लिश मतलब दरमियाने दौर की इंग्लिश, वो भी आज की इंग्लिश से बड़ी मुख्तलिफ थी। अच्छा, उनमें और उस दौरे मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश के पहले सबसे बड़े राइटर आए जिसका नाम था चौसर, जॉफ्री या जॉफ्री चौसर उनका पूरा नाम था। 1400 में उनकी वफात होती है और उन्होंने सबसे पहली जो स्टोरी होती है इंग्लिश की, कैंटरबरी टेल्स, तो कैंटरबरी टेल्स इन्होंने लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो कैंटरबरी की स्टोरी सारी, जिसमें से आपके एबर्ट ऑफ कैंटरबरी जो है आपने पढ़ी है। तो चौसर जो था वो डाइट वो मरा था 1400 ईस्वी में। अच्छा, एंग्लो सैक्सन्स ने सिर्फ इंग्लैंड का पार्ट कंक्योर किया था ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रिटिश के जो है वो चार पार्ट्स हैं यूके के, एक इंग्लैंड है, एक स्कॉटलैंड है, एक आयरलैंड है और एक जो है वो आपका वेल्स है। चार पार्ट से मिलकर बनता है आपका यूके या इसको आप यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन से सिर्फ एक पार्ट इंग्लैंड वाला जो पार्ट है वो उसको कॉन्केयर किया था, वो स्कॉटलैंड तक, वेल्स तक और नॉर्दर्न आयरलैंड तक नहीं पहुंचे थे, वो सब मिलकर यूके बनाता है यूनाइटेड किंगडम जिसको बरतानिया बोलते हैं, ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन। तो ऊपर नक्शे में ऊपर बना होता है, ऊपर यूके लिखा होता है उसके ऊपर। तो इंग्लैंड पे जब, और बाकी स्कॉटलैंड वेल्स और आयरलैंड वाले वो अपनी अलग लैंग्वेज बोलते थे और आज भी वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इन तीनों को कंट्री को कहते हैं सेल्ट्स, ये सेल्टिक पीपल, ये सेल्ट्स कहलाते हैं और ये सेल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे और सेल्टिक लैंग्वेज के अलग अलग डायलैक्ट्स हैं। तो ये जो है वो ये अलग अलग इनके डायलैक्ट्स हैं। डायलैक्ट्स किसके कहते हैं, डायलैक्ट्स के मतलब होते हैं लहजा, इसके अलग अलग लहजे हैं। जैसे उर्दू जबान आप बोलते हैं ना, देर आर मैनी डायलैक्ट्स इन उर्दू लैंग्वेज। एक बिहारी में बोलते हैं बिहारी डायलैक्ट है, एक जो है वो लखनऊ वालों का अलग डायलैक्ट है, हैदराबादियों का अलग डायलैक्ट है, कराची वालों का अलग डायलैक्ट है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं उर्दू बोलने के, बिल्कुल सेम वैसे इंग्लिश बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये सेल्टिक लैंग्वेज की भी अलग अलग लहजे थे। स्कॉटलैंड वाले गैलिक डायलैक्ट बोला करते थे, वेल्स वाले वेल्श बोला करते थे, आयरलैंड वाले एयर्स बोला करते थे और एक और डायलैक्ट था चौथा, स्कॉटिश नाम था उसका, वो चौथा लहजा था, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो खत्म हो चुका है 200 साल पहले, उसके बोलने वाले दुनिया से खत्म हो चुके हैं, मतलब वो एक्सटिंक्ट है, मादूम डायलैक्ट है। बाकी तीन अब तक जो है वो बोले जाते हैं स्कॉटलैंड वेल्स और आयरलैंड में, जो कि यही पार्ट है बट इंग्लिश नहीं बोली जाती बल्कि ये लैंग्वेजेस स्पीक की जाती है, ये डायलैक्ट्स बोले जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश के अंदर इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपको अदर लैंग्वेजेस से भी आपको मिले हैं, जैसे और सिनोनिम्स, इसलिए इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है। पेपर में एक ही सवाल आता है इसका इंग्लिश में कि व्हाई डिड इंग्लिश हैव सो मच लार्ज वोकैबुलरी, इंग्लिश की वोकैबुलरी इतनी बड़ी क्यों है, एक वर्ड कितने मायने क्यों है। धोखा देना है तो चीटी भी बोल सकते हैं, फ्लर्ट भी बोल सकते हैं, बिट्रे भी बोल सकते हैं, डिसीव भी बोल सकते हैं, पीछा करना है तो चेस भी बोल सकते हैं, परशू भी बोल सकते हैं, रन आफ्टर भी बोल सकते हैं, एक वर्ड के बहुत सारे मायने निकल जाते हैं, है ना। कोई बीमार है तो आई एम सिक भी बोल सकता है, आई एम इल भी बोल सकता है, दोनों सही है। तो इंग्लिश उर्दू के अंदर ऐसा नहीं है बट इंग्लिश के अंदर एक वर्ड के बहुत सारे मायने हैं, ठीक है, सिनोनिम्स जिसको हम कहते हैं। वजह यह है कि इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड शामिल हैं, जैसे वेड और मैरी दोनों का मतलब होता है शादी करना, इससे वेडिंग निकलता है, इससे मैरिज निकलता नाम। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो है, अच्छा फ्रेंच जो है उससे पहले मैं बता दूं, फ्रेंच एक लैटिन लैंग्वेज है, लातिनी जबान जिसको हम कहते हैं ना, वो बहुत सारे उनमें से फ्रेंच एक लैटिन लैंग्वेज है। तो मैरी ये जो वर्ड है ना वो फ्रेंच से है, लातिनी जबान से है मैरी इंग्लिश के अंदर, और वेड का जो वर्ड एंग्लो सैक्सन इंग्लिश से है। तो वेड एक अलग जबान से एंग्लो सैक्सन से आया है जो ओल्ड इंग्लिश थी, और मैरी का वर्ड जो लैटिन जो है वो फ्रेंच से आया है, इसलिए इंग्लिश के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर दोनों वर्ड्स हैं शादी के लिए, वेड भी है और मैरिज भी है, वेडिंग भी है और मैरिज भी है, कभी लिखा होता है वेडिंग सेरेमनी, कभी लिखता है मैरिज सेरेमनी, दोनों का मतलब शादी की तकलीफ। और बहुत सारे वर्ड्स, मैं यहाँ पर चार वर्ड्स आपको बताता हूँ कि कौन से वर्ड्स कहाँ से आए हैं। एडमिरल, आप जानते हैं नेवी के अंदर जो सबसे बुलंद होता है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, दैट इज कॉल्ड एन एडमिरल। जैसे आर्मी के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, बिल्कुल वैसे नेवी के अंदर होता है एडमिरल। एडमिरल का जो वर्ड आया है वो अरबी ज़बान से आया है, अमीरुल बहर, बहर मतलब समझ, अमीरुल बहर से वो एडमिरल हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। इस तरह से यॉट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है दिस इज यॉट, इट इज नॉट याच्ट, याच्टू भी नहीं है, बहुत सारे ना टिकटॉक में याच्टू, तो ये यॉट, इसको यॉट पढ़ते हैं। यॉट किसे कहते हैं, यॉट इज अ बिग वाइट कलर्ड बोट, जीटीए में देखा होगा वाइस सिटी में, शुरू में मिशन से बोट आता है, यॉट कहते हैं उसको, लग्जरियस टाइप का, बहुत महंगा होता है, अमीर लोग लेके रखते हैं, ठीक है, बहुत पैसे जिनके पास होते हैं प्राइवेट, उनकी अपनी बोट होती है वाइट कलर की, बहुत लग्जरियस सी होती है, बहुत आसाइश वाली, उसी को हम कहते हैं यॉट, ठीक है। तो यॉट जो होते हैं, यॉट जो हमारे डच वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड डच से आया है, तभी तो अजीब सा स्पेलिंग यॉट। तो डच कौन से लोग बोलते हैं, डच बोलते हैं हॉलैंड वाले, हॉलैंड या नेदरलैंड वाले डच कहते हैं, उनके रहने वालों को भी डच कहते हैं, डच कॉम,
तो हॉलैंड जो है ना कंट्री है, तो उसके रहने वाले को भी डच कहा जाता है और वो डच जबान भी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो जैसे कि और डच अपने बारे में कहते भी हैं कि द गॉड मेड द अर्थ एंड डच मेड हॉलैंड, तो खुदा ने जो है वो दुनिया बनाई है और डच लोगों ने मिलकर हॉलैंड बनाया, ठीक है। क्योंकि डच कॉम हज़ारों सालों से हॉलैंड में रह रही है, एक अरसे से वो डच कॉम वहीं है, दूसरी और कोई कॉम उसकी जगह नहीं ले पाई हॉलैंड के अंदर की बात करो। तो ये यॉट एक डच वर्ड है। सैंडविच, सैंडविच आप बिगिनर खाए मतलब सैंडविच, चिकन सैंडविच, तो साइलेंट होता है सैंडविच। सैंडविच क्या है, ये नाम, ये एक जगह का नाम था। सैंडविच एक जगह थी, ठीक है, और इसका वहाँ पर एक नवाब था, फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच, जो 1792 में मरा था। तो वो नवाब था सैंडविच का नवाब। अब जो सैंडविच का चौथा नवाब था ना, उसको ताश खेलने की बड़ी आदत थी, कार्ड्स खेलने की। वो हर वक्त ताश खेला करता था सुबह से शाम तक दोस्तों के साथ, खाते पीते में भी ताश के गेम रोकता नहीं था, तो वो ताश खेलता रहता था। तो क्या हुआ कि अब जब खाते पीते में ताश खेलता था, उसका कपड़ा गंदा हो जाता था खाते खाते। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि कुछ ना कोई ऐसा तरीका याद किया जाए कि खाते भी रहे और खेलते भी रहे। तो उसने दो टोस्ट के अंदर जो है वो जो भी सामान सालाना जो भी रखा हुआ था, सलाद वलाद सब रखा, और उसके ऊपर दूसरा टोस्ट रख दिया, दबा दिया उसको। उसके बाद एक हाथ से खाने लगा, हाथ से खेलने लगा, उसको लगे तो बड़ा मजा आ गया भाई, अब तो करता भी नहीं कपड़ा हो रहा, खा भी रहे खेल भी रहे। तो वहीं से आया सैंडविच, सैंडविच का नवाब जो था, द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच, जिसकी वजह से ये नाम सैंडविच पड़ा। बड़ा अजीब सा नाम है सैंडविच, ठीक है। इस तरह टेलीविजन, टेलीविजन जो वर्ड है वो भी दो वर्ड से, टेली और विजन। टेली का मतलब होता है दूर, ग्रीक वर्ड है टेली मतलब दूर, और विजन एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सी देखना। टेलीविजन दूर की चीज को देखना, तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टेलीविजन, जिसको हम कहते हैं। दो अलग अलग वर्ड्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स आए ना, किसी भी जमाने में जो भी वर्ड आते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस से होकर जो है वो किसी डिक्शनरी का पार्ट बनते हैं। आगे बढ़ सकते हैं सबको।